दोस्तों अगर आप CSIR नेट, UGC नेट, CTET, UPTT और UP बेसिक टीचर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अब हमारे कोर्सेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए ज्ञान प्रकाश या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे सबसे बेहतर कोर्सेज को देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तब तक के लिए धन्यवाद। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर तरह तरह की चर्चाएं गर्म हैं कि UPTET की डेट आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, जो कुछ भी है इसके बारे में एक पूर्ण विराम लग गया है क्योंकि मंगलवार 16 अक्टूबर को PNP की ओर से एक दिशा निर्देश जारी हुआ है। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तिथि 18 नवंबर तय किए जाने के बाद मंगलवार को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया और क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है इसलिए आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि एग्ज़ाम डेट आगे जा रही है। फिलहाल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर जनपद स्तरीय टीम के माध्यम से 17 अक्टूबर तक केंद्र का निर्धारण करने का निर्देश दे दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम में 22 अक्टूबर तक केंद्रवार परीक्षार्थियों की संख्या तय करके उसकी जानकारी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से परीक्षा नियामक को भेजने को कहा गया है। केंद्रों के बारे में पूरी जानकारी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से NIC के पास 23 अक्टूबर को भेजनी है, यानी कि 23 अक्टूबर को सारी जानकारी NIC के पास ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और उसके बाद NIC अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाएगा। आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 30 अक्टूबर तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे और इसके अलावा इसकी जानकारी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा नियामक की ओर से 16 नवंबर को परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होगा वह डबल लॉक में रखने के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 18 नवंबर को दो पालियों में सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और जो दूसरा पेपर होगा वह दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच होगी। सचिव परीक्षा नियामक की ओर से 20 नवंबर को वेबसाइट पर उत्तर माला जारी कर दी जाएगी और 23 नवंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। 29 नवंबर को फाइनल आंसर की आएगी और 8 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद 11 नवंबर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 6 जनवरी को परीक्षा कराई जाएगी जिसके बारे में मैं पहले भी आपको सूचित कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स एक संक्षिप्त जो टाइम टेबल जारी किया गया है उसके बारे में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है वो 17 अक्टूबर तक यानी कि आज तक कर लिया जाएगा और इसकी सूचना जो है PNP को 22 अक्टूबर तक भेज दी जाएगी। PNP इन सारी सूचनाओं को 23 अक्टूबर तक NIC को भेज देगा और इसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 30 अक्टूबर तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डबल लॉक में रखवा दिया जाएगा जिला मुख्यालय के। 16 नवंबर को UPTET की परीक्षा 18 नवंबर को दो पालियों में होगी। पहली पाली शुरू होगी 10 बजे से जो कि चलेगी 12:30 बजे तक, दूसरी पाली 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में चलेगी। उत्तरमाला 20 नवंबर को आएगी, आपत्ति 23 नवंबर तक आप दर्ज करा सकेंगे, निस्तारण होगा इसका 29 नवंबर तक और अंतिम जो परीक्षाफल होगा ये 8 दिसंबर तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा हर हाल में क्योंकि 6 दिसंबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा भी करवानी है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, किसी भ्रम में ना रहें और अपनी तैयारी को अब आपने धार देते रहें। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक आपको मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उनकी जो भी दुविधा है, जो भ्रम है वो मिट सके। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो बेल आइकन को ऑन रखें और बटन को जो लाल बटन सब्सक्राइब का उसको जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।